पकड़ा दो खिड़की से। ऑल राइट तो शायद लानत है मुझ पे। अभी सार्थक भाई का है बर्थडे आधे घंटे में। सो गाइस हम लोग अभी कोयम्बटूर में थे और आपको पता है कि इस पूरे सीरीज़ में ना बड़ी समस्या हो रही है, वो है लैंग्वेज बैरियर की। कहीं भी जाते हैं किसी से बात करने की कोशिश करते हैं तो अगर हम लोग वाइब भी मैच कर जाती है तो भाषा मैच नहीं करती वहाँ पे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जहाँ भी जाएँ वहाँ पे किसी लोकल से बात करके उनसे थोड़ी हेल्प लें ताकि थोड़ा वो ट्रांसलेट करके हमको लैंग्वेज जो बैरियर है वो ब्रेक करें। एंड इन दिस वीडियो जो हमने आज शूट की कोयम्बटूर में, दिस इज़ द गाय हु हेल्प्ड अस कोयम्बटूर मामला। थैंक यू ब्रो, दिस इज़ हिज इंस्टाग्राम हैंडल, यहाँ भी दे देंगे। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू थैंक हिम फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस ट्रिप। सम मैसेज फॉर आर ऑडियंस प्लीज़ गो। Coimbatore வந்து the land this land will make others to leave. तू समझा? हाँ या नहीं? तू समझा नहीं? So good morning guys, हम लोग निकल चुके हैं कोयम्बटूर से और अभी हम जा रहे हैं कृष्णगिरी। और हम ये क्यों जा रहे हैं यहाँ पे ये आपको बताएंगे हमारे श्री 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 सार्थक गोस्वामी जी। ये आपको बताएंगे और आईएएस स्टडी सर्कल की फैकल्टी। पहली बात श्री श्री नहीं, 1008 कौन लगाएगा? ठीक है 1008 सार्थक गोस्वामी 1008 तुम रहने दो, नॉट रिलीजियस पर्सन यू डू नॉट नो। अभी हम लोग जा रहे हैं कृष्णगिरी। कृष्णगिरी क्योंकि वहाँ से हम लोग को आंध्र के लिए एक सही रूट मिल जाएगा और बीच में एरोडो सलेम करके दो तीन शहर पड़ रहे हैं तो वहाँ जाके हम तमिलनाडु। कल एक अच्छा था तमिलनाडु का, एक बॉक्स पम हो गया ना, तो अब सोच रहे हैं कि एक दो और स्टोरीज वहाँ से करते निकले। लेकिन गाइस मेरे को एक्चुअली में नहीं पता है कि ये 1008 क्या है, तो आप प्लीज बताइए मुझे। 1008 वो उधार है जो तुम्हारा मेरे ऊपर है, कब लौटा रहे हो? वैसे क्या हो रहा है ये? वैसे तो चुपचाप बैठा रहता है, तू क्या कैसे क्या हो रहा है जैसे? ये वैसे बैठा रहता है ना, अभी बोल रहा है कि बस का पीछा कर, ये कर वो कर। बस तुम जानते नहीं अब तुम अगर उसको उसके बस के पीछे कुछ देखा होगा रिकॉर्ड करने को। बस के पीछे काम की बात करते हो इतना ही से। बस के पीछे भगवान जी की फोटो लगी हुई थी फुल बॉडी और हरी रंग की बस थी वो। अच्छा कौन से भगवान जी? मैं नहीं बताऊंगा। मोहित भाई कुछ कहना चाहेंगे आप ना के अलावा? भाई साहब की गलती है, भाई साहब ने गाड़ी रुकवा दी और कहा कि चलो डैम की बीरोल्स लेते हैं। और कहाँ पे हम घुस गए? मैंने हाँ पर सार्थक गोस्वामी की गलती है, उसको लगा ये एंट्री है वो आ गया यहाँ पे। तो ये डैम नहीं, ये इस शहर या गांव का पार्क है। पार्क नहीं पार्क, तो लोग यहाँ आके रिलैक्स करते हैं, पीछे पिकनिक भी मना रहे हैं। पीछे देख सकते हो आप लोग, हाँ लोग तो यहाँ पे डैम है तो, पर ये उसका साइड है। ये यहाँ पे डैम है लेकिन ये आप इसको डैम का पिछवाड़ा बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे डैम के ऊपर जाना अलाउड नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो अभी देखते हैं है, पर दिस इज अ पार्क डैम की एंट्री। हाँ डैम की एंट्री पता नहीं कहाँ से है आगे से, बट डैम ब्रो यहाँ पे बहुत गर्मी है। अभी डैम को हमने देखा नहीं, इट्स डैम। कर्नाटका ये कहती है, कर्नाटका सरकार ये कहती है कि हमारे खुद के राज्य में पानी की कमी है। हेलो बेबी मंकी, डर रहा है वो पागल, उसके पास डंडा लेके मत जा। नहीं नहीं बाबू नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तू पागल है उसके सामने डंडा बड़ा क्यों कर रहा बेबू? मोहित यार तू मत, बंदर डरा रहा है, कहाँ गया वो छोटू? हेलो छोटू माय फ्रेंड, ओ डर रहा है वो। दोस्तों घूमते फिरते पहुंच गए हैं तमिलनाडु के मैटूर डैम पे, जो कि बहुत पुराना कावेरी नदी पर बना हुआ डैम है। यहाँ से मतलब जाहिर सी बात है हर एक हर दूसरे डैम की तरह यहाँ से भी पानी रेगुलेट करते हैं कहाँ पे कितना कब पानी छोड़ना है, और बरसात के हिसाब से जितनी जिस हिसाब से बारिश होती है उस हिसाब से ज़्यादातर पानी रेगुलेट किया जाता है। ये मोहित भाई पीछे अपने काम में कहाँ है,
ये यहाँ पे ड्रोन की परमिशन नहीं थी तो मोहित भाई ने अपने आप को ही ड्रोन बना दिया। क्या बात कर रहे हैं, तारीख आज है 19 फरवरी, आज शायद हम लोग हमारा आखिरी दिन है तमिलनाडु में। कल भाई दीपू का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे दीपू। कल से हिमांशी का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हिमांशी। तो कल से हम लोग अपना आंध्र शुरू कर देंगे। मोहित भाई आपको जल्दी बाय बोल दो, जल्दी बाय बोल दो, भाग क्या, भाग के, भाग क्या, अबे मेरे पे है क्या, भागते हुए निकल जा, निकल जा, बाय 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 बाय। सावधान होशियार, महाराज सार्थक है गोस्वामी पधार रहे हैं। एक क्राउन होता है लोगों के पास, मेरे पास दो क्राउन है, मैं महाराजा हूँ, राजा भी नहीं। दोस्तों संडे भारत एक जगह पर सार्थक गोस्वामी अपना मानसिक संतुलन शायद खो चुका है, और ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इसको व्लॉग में दर्ज कराया जाए। मैं खास ख्याल रखूंगा इसका, लेकिन मेरे को इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये वाला गाना जो है ये कॉपीराइट ना मारे। दोस्तों बहुत खूबसूरत है मेरा देश। क्या भैया, लाइक आवर कंट्री इज वेरी लवली, इट्स ब्यूटीफुल। नहीं आपने अभी अभी क्या बोला था, खूबसूरत यूपी का स्लैंग है। मुझे यार वो दे देना जरा माइक। मोहित माइक दे दो सार्थक को। किसे पकड़ा दो, क्या पकड़ा दो, खिड़की से। ऑल राइट ऑल राइट, खिड़की से ओवर एंड आउट। तेरा ओवर एंड आउट, रुक जा भाई, गाड़ी रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद वैसे ही मिल जाएगा। सब मिला मिल ज्यादा एडवेंचर का पता मत बने। दे भाई मोहित दियो भाई पीछे, टू 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 वो मुंह निकल, हो गया मुंह निकाल रहा था, आ गया हाथ में अगर अबे। दूसरी बैटरी टें 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 जिसमें चार्ज टें टें, अबे देख ले ये नहीं है, येरी येरी यही है, यही है लगा। मोहित मोहित है नहीं, क्या कह रहे थे आप बताओ। मैं कहने जा रहा हूँ कि अभी जिस हाईवे के आप शॉट्स देखने जा रहे हैं वो है श्रीनगर से कन्याकुमारी जो हाईवे जाता है, दैट इज NH 44। चीन की चट्टी और ईरानी चाय अब्दुस भाई। हेलो गाइस, राइट नाउ वी आर इन अनंतपुर इन आंध्र प्रदेश, और मोहित भाई अभी हमारे एडिटिंग कर रहे हैं पूरी जान लगाकर, जी जान, पूरा जी जान लगाकर। ये हमारे अब्दुस भाई सो रहे हैं अपने एक्सक्लूसिव बिस्तर पे, और मेरा काम हो चुका है, सारा शूट वगैरह कर लिया है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ। टिल देन, तो गाइज एक छोटू सा अपडेट है कि हम है ना काफी ज्यादा ऐसे थक चुके थे, तो इसीलिए हम थोड़ा सा एक रात का व्लॉग नहीं बना पाए। तो हम एक्चुअली बीच में बैंगलोर के अंदर हम दोबारा गए थे, और वहां पर सिर्फ हम एक रात के लिए रुके थे फॉर टू reasons. पहली बात कि वहां से कुरनूर जो है वो पास पड़ रहा था, एंड दूसरा रीजन was क्योंकि हिमांशी का हैप्पी बर्थडे भी था, तो हमारे दोनों काम ही हो गए हैं। तो अभी आप देखेंगे पिद्दी और अब्दुल्ला भाई को साइन करते हुए। I am glad to have it, क्योंकि सिर्फ इतना कोट लिखाने के लिए सार्थक भाई वेल्लोर जाने की बजाय बैंगलोर आए हैं, कॉल किए भाई ये लिखने आओ। भाई साहब एक बार प्रॉमिस किया था, तो यार व्हेन यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स।
यार पता नहीं अजीब सा, अभी हम शहरों के नाम भूलने लग जा रहे हैं कि किस शहर में वो भूल जाते हैं, फिर याद आता है कि वो, जैसे फिलहाल हम कुरनूल में, मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा था कि भाई शहर का क्या नाम है, क्या नाम है करके, जबकि मैं ही डिसाइड कर रहा हूँ कि नेक्स्ट किस सिटी में हम लोग जा रहे हैं जितना हमारे पास टाइम बचा है उस हिसाब से। पीछे क्या है? KMC। अरे वो यहाँ का कुरनूल का क्लॉक टावर है, कुरनूल प्रोबेबली कुरनूल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और समथिंग उसका मतलब। जी अब्दुस भाई, अभी अभी क्या हुआ हमारे साथ? अभी शायद लानत है मुझ पर, अभी सार्थक भाई का है बर्थडे, आधे घंटे में हम आए नीचे केक रिसीव करने, पर ये पता नहीं सर ये स्विगी वाला कहाँ से तो केक लेके सीधा रूम में डिलीवर कराया, मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया था, तो अब शायद अपने केक के पैसे भी, केक के पैसे सार्थक नहीं भरे होंगे। सार्थक भाई अब मुझे शर्म आ रही है, और पहले ही है ना मोहित भाई ने ना स्पॉयलर्स दे दिए थे थोड़े से, हमने बात घुमाने की कोशिश भी करी बट मोहित भाई बहुत ही सरल आदमी है, बहुत ही सच्चे आदमी है। कोई लाइफ अपडेट नहीं है, जा रहा हूँ मैं यहाँ से वापस, इस सब के बाद मैं मैं यार एक तो मोहित पे गुस्सा आ रहा है, मैं ऑर्डर कर दिया मोहित कह रहा है क्या ऑर्डर किया है, कुछ जोमेटो से ऑर्डर कर दिया, कुछ ऑर्डर कर दिया, इतने में तो पता चल ही गया होगा सार्थक को। और क्या, ऊपर से जोमेटो वाला भी बहुत शातिर आदमी भाई, कहाँ के कहाँ से तो डिलीवर करके आ गया, हम तो हमको पता भी नहीं चला, मतलब हम नीचे आए और हमें ऊपर जाता हुआ दिखा भी नहीं है, पता नहीं है कहाँ से अदृश्य होके गया ये। I'm stunned. Yeah. चलो यार अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, अब सीधा मोड़ लो गाड़ी, 12 बजे सीधा मिलता हूँ, 12 बजे। Only 2 minutes left guys, लिफ्ट का इंतजार नहीं कर सकते थे इसीलिए हम चौथे फ्लोर पर सीढ़ियों से जा रहे हैं, बहुत ही तनाव और थकान का माहौल। कभी मैं शायद एक अच्छा मैनेजर बन ही नहीं पाऊंगा। अरे यार ये मैंने अभी तो अपने एक दोस्त का वो देखा इंस्टाग्राम स्टोरी, तो उसने देखा कि कुछ ऐसा नेशनल स्टोरी अवार्ड कुछ ऐसा उधर डाल रखा था उसने, उसने बोला कि आखिरी वो है, अभी जल्दी दिखाओ कि 21st तक सबमिट करना, मैंने कहा ये देखो देखो सरकार और कुछ ऐसा कर रही है स्टोरी टेलर का, उसमें कुछ अवार्ड भी है, तो भाई ने 11:59 तक सबमिट कर दिया, बिल्कुल जैसे एग्जाम में नहीं होता आखिरी पॉइंट पर बनाते थे ऐसे, यहाँ भी बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक एंटर कर गए। सार्थक गोस्वामी का हैप्पी टूटू। ओह माय गॉड, आइए सर बैठिए, अबे कच्चे बनियान हटा अपने, चाकू चाकू कहाँ है, चाकू कहाँ है, चाकू कहाँ है, ये कौन है ये? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, ताली बजा। अच्छा डियर भी है क्या? अबे हो पहले इसको बुझा, बुझा ना इसे, कोई कभी किया नहीं होगा। अपना विश खुद पूरा हो जाएगा, बस 100% देते रहे सब छोटे, ये ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि ऑफिस आर खत्म हो गए। मैं सार्थक गोस्वामी सर के लिए इधर आना, मैं सार्थक गोस्वामी, हाथ दिखा मेरे, हाँ ठीक है, मैं सार्थक गोस्वामी भाई के लिए जो गाना मैं अपने मित्रों के बर्थडे पे गाता हूँ वो गाना चाहूंगा। इतने सारे फूल खिले फूलों से प्यारा तू, ओ हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओ। वी आर ड्रिंकिंग मॉन्स्टर एनर्जी फॉर इंस्टेंट एनर्जी, टीटिंग 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 टीटिंग, Now you know. There's nothing to hide, okay? We don't keep any curtains between us and our audience, so. Yes. अगर आप इतनी मेहनत करने के बाद अपने बर्थडे पे एक बियर भी नहीं खोल पाए,
तो क्या है ये प्रेटेंशियस बनने का क्या फायदा? चलो बोल। हाँ, अब कोई मत पूछना कि ये पीछे बैकग्राउंड में बियर का कैन क्या कर रहा है। नहीं उतने भी नहीं, सबके ओवर है भाई, सबका ठीक रहा है, कम है ना। ये तो स्पॉन्सर भी नहीं है लेकिन हमें ये बहुत ज्यादा पसंद है। दिस इज बेटर देन ओए जा गिर रहा, जा गिर रहा। अरे आराम से आराम से आराम से। चूसा 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 चूसा। चलो चलो रुक जा, मेरे को खोलने दे। घायल परिंदा है तू। खुल गई। Cheers to Sartak. Woohoo! Oh, happy birthday to you. अरे कहाँ गया वो जो है, वो चला गया। हाँ, ओए happy birthday बोल। ये कैसे पकड़ रखा है? अब बता। अरे कहाँ देखना है? बोल happy birthday बोल, उधर देख, उधर बोल, उनको बोल। Happy birthday भाई। ओले कितना cute हुई, ये कौन है? इसका नाम क्या है? चलिए सागर भाई कल मिलते हैं धारावी में। नाम क्या है इसका? इसका आधार कार्ड बना हुआ है? फिज नाम है। फिज नाम है। आहा। तो जस्ट अभी हम ऑफिस आए हैं, मीटिंग खत्म हो चुकी है और पता चला कि सार्थक भैया का बर्थडे है, तो हमारी तरफ से बर्थडे की हार्दिक बधाई हो सार्थक भैया को। खुश रहो सार्थक भैया, मस्त रहो और जल्दी मिलते हैं संडे भारत के बाद। सो हे गाइस, दिस इज द डीएबी मीडिया वर्क्स टीम है। काम कर ले तू शुभम वहाँ सामने। आई स्पेंड द लास्ट टू नाइट्स एडिटिंग, फाइनलाइजिंग धारावी एंड धारावी पार्ट टू। धारावी वॉज वन ऑफ द बेस्ट कवर्ड वीडियोज बाय सार्थक। कूडोज भाई, ग्रेट जॉब डन। और सार्थक भाई आज तो मैंने सुना बर्थडे है आपका, तो हाँ आज बर्थडे है सार्थक भाई का, तो तुमने बोला नहीं। सार्थक भाई ये पूछो पार्टी कब मिलेगी, इतना काम कर लिया अब तो ऐसा लगता है हम सार्थक भाई को ज्यादा अच्छा जान गए, वो हमें जानते भी नहीं होंगे। लेट्स विश सार्थक भाई हैप्पी बर्थडे। ओ हैप्पी बर्थडे सार्थक भाई, हैप्पी बर्थडे भाई सार्थक भाई। ये देखो ये भी आ गया हमारा। तो गाइस अभी आप लोग सो जाइए आराम से, हम लोग बनाएंगे सार्थक भाई का हैप्पी बर्थडे। पूरा होटल सो रहा है बट हमारे यहाँ पे पार्टी हो रही है। कोई पार्टी भी हो रही है। काम चल रहा है, ब्लॉग एडिट हो रहा है यहाँ पे। हाँ तो भाई कॉपीराइट आ जाएगा, बंद कर ले इसे। तो यहाँ पे अभी पार्टी वैसे नहीं हो रही है, यहाँ पे अभी काम चल रहा है, ब्लॉग की एडिटिंग कर रहे हैं। मैं पता नहीं इतना घूम घूम के बात क्यों कर रहा हूँ, बट स्टिल यू गाइस जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, ड्रिंक वाटर, ब्रीद एयर, दैट टू।